आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधीनमो से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित हैं। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवा वडथुरई आदिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका, जो मिलना चाहिए था। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978, मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगण, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। माननीय प्रधानमंत्री एक परंपरागत प्रतीक की खोज में थे। तत्पश्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणई कहा जाता है। इस विचार से माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्वितीय प्रतीक को अमृतकाल के प्रतिबिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृढ़ता के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।